हेलो यूकेजी किड्स, वेलकम टू योर टुडे सेशन। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे। बच्चों आज हम मात्रा लगाइए टॉपिक का रिवीजन करेंगे, जिसमें हम आ, ई व ई की मात्राओं के शब्दों में मात्रा लगाने का अभ्यास करेंगे। सो चिल्ड्रन, सबसे पहले आप लिखिए डेट 22/8/2020, फिर हेडिंग डालिए रिवीजन, और टुडे रिवीजन टॉपिक इज मात्रा लगाइए आ, ई और ई। तो बच्चों, जैसे कि हमने बड़े आ, छोटी ई और बड़ी की मात्राओं का अध्ययन कर लिया है, तो आपके एग्जाम में तीन स्वरों की मात्राओं के क्वेश्चन आएंगे। ओके चिल्ड्रन। तो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें हमको मात्राएं लगाकर उनको पूरा करना है और सार्थक शब्द बनाना है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहला शब्द क्या है, अ न डैश। यहाँ पर डैश या फिल इन द ब्लैंक लगा हुआ है, वहां पर कोई ना कोई मात्रा आएगी। तो बताइए ये कौन सा शब्द बनेगा, अ नार, अनार। ये कौन सा शब्द बनेगा, अनार। इसी प्रकार दूसरा शब्द देखिए, डैश सतार, सतार। तो बताइए सतार ये कौन सा शब्द बनेगा। अगर हम इसमें आ की मात्रा तो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि आ की मात्रा हमेशा हम वर्ण के बाद लगाते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर कौन सी मात्रा आएगी, छोटी की मात्रा। वेरी गुड। तो बताइए कौन सा शब्द बन गया, सितार, सितार। इसी प्रकार तीसरा शब्द देखिए बच्चों, स र का र, सरकार। और जब हम सरकार में ई बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो शब्द बन जाएगा सरकारी। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने आ की मात्रा, ई व ई की मात्रा के शब्दों में मात्रा लगाकर मैंने आपको दिखाया है। उसी प्रकार आप बचे हुए शब्दों में मात्रा लगाकर शब्दों को सार्थक शब्द बनाएंगे और इसका अभ्यास करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। नाउ फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू आवर मैथ्स क्लास। So children, today in maths we will revise the topic ascending order. First you have to mention the date 22/8/2020, then write the heading revision, and today's revision topic is ascending order and class order. So children, as you know that in ascending order we will arrange the numbers in smallest to greatest. Okay, हम छोटे से बड़े क्रम में numbers को arrange करते हैं। सो चिल्ड्रन, सी द फर्स्ट क्वेश्चन, 11, 9 and 20। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे छोटा नंबर कौन सा है चिल्ड्रन, यस 9। सो वी विल राइट हियर 9। नाउ मैम बच्चों को ऐसे भी करा सकते। सो चिल्ड्रन, एज वी हैव रिटन 9, सो यू हैव टू क्रॉस इट। ओके, now there are the only two numbers are left. Now children, tell me which number is smallest in both 11 or 20. Chhota number kaun sa hai, yes 11. So we will write here 11. Now cross it. Okay, and the left is 20. So we will write here the left number. So now the numbers are arranged in ascending order. So children, this way you have to complete all the main question. Okay, so do it well. Thank you. Now kids, it's time to our English class. So children, today in English we have to do fill in the missing letters. Okay children, as you can see there are the some words are given in which fill in the blanks. So you have to complete the word by filling A, E, I and O. Okay children, so first you have to mention the date 22/8/2020. Then you have to write fill in the missing letters and classwork. So children, आपको A, E, I, O में से चूज करके वर्ड्स को कंप्लीट करना है. ओके, सो नाउ सी द फर्स्ट वर्ड, सी। सो नाउ द फर्स्ट वर्ड सी डैश टी। सो चिल्ड्रन, विच लेटर वी हैव टू फिल हियर टू कंप्लीट, सी ए टी, कैट, यस। सो वी विल राइट हियर कैट। नाउ सी द नेक्स्ट, एफ डैश जी। सो ए
the word F-O-G, fog. The fog is also a word. So children, you can fill both word here. So I am writing here F-O-G, fog. Okay? आप यहाँ पे F-I-G, fake भी लिख सकते हो. Okay children? Now see the next. Third, T-N. So children, T-E-N, ten. And we can also fill here T-I-N, tin. So children, did you see? So you can fill here E as well as I to make the meaningful word. So this way, you have to complete all the missing letters to make meaningful word. Okay? आप A, E, I, O में से कोई भी letters को fill करके meaningful word बना सकते हैं. Okay children? So do it well. Thank you.